हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने हैट्रिक जीत दर्ज की है। गोहाना विधायक अरविंद शर्मा भी सैनिक कैबिनेट में मंत्री बने, जिनसे बातचीत की हमारे संवाददाता थानेश्वर शर्मा ने। बातचीत करने के लिए हरियाणा सरकार में मंत्री अरविंद शर्मा जी। अरविंद जी, बहुत बहुत मुबारक हो। अब गोहाना के लिए सबसे पहला एजेंडा क्या रहेगा? गोहाना के लिए जो हमने बात रखी है उन बातों को आगे बढ़ाएंगे। जितनी भी बात रखी, जो जनता ने विश्वास किया है, जितनी बात रखी, गोहाना को जिला बनवाने की पूरी कोशिश करेंगे। गोहाना को फाटक मुक्त करेंगे, गोहाना को जाम मुक्त करेंगे और गोहाना में जितने विकास के काम है उनको आगे बढ़ाएंगे। जिस तरीके से कांग्रेस कह रही थी कि बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, लेकिन आपने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई है, क्या कहना चाहिए? देखिए, कभी भी जनता ने वो कांग्रेस कह रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने, जनता ने कभी नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी या दूसरी वो कांग्रेस आएगी और जाएगी। लोगों का विश्वास था और ये ऐसे ही नहीं है। ये जन कल्याण के काम, गरीबों के लिए काम, किसानों के लिए, अब जो 24 फसलों पर MSP, आप सोच सकते हो। राहुल गांधी ने गोहाना की जलेबी को बहुत फेमस किया, आप उसी गोहाना क्षेत्र से आते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई, गोहाना की जलेबी में मिठास है और ये जनता ने बता दिया है कि गोहाना की जलेबी में भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा मिठास है, लेकिन किसी और के लिए गोहाना की जलेबी हो सकता है कि खट्टा मीठा अनुभव दोनों हो। तो ये थे मंत्री अरविंद शर्मा, जिनका कहना है कि गोहाना की जलेबी में मिठास है, जो सबको, भारतीय जनता पार्टी को मिठास देती है, लेकिन अन्य पार्टियों के लिए खट्टा मीठा अनुभव जरूर देती है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, चंडीगढ़।